हेलो फ्रेंड्स, आपका रीना किचन रेसिपी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी स्पेशल पंजीरी की रेसिपी लेके आई हूँ। जन्माष्टमी में पंजीरी तो बनती ही है और एक कृष्ण भगवान, माधव जी और हमारे ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय है, तो इसी से जन्माष्टमी पर ज़रूर बनती है एक पंजीरी। तो चलिए, जब पंजीरी किस तरह से बनाई जाती है वो हम देख लेते हैं। तो मैंने पंजीरी बनाने के लिए एक कढ़ाई, देखिए, गैस पर चढ़ा दिया है। उसमें हम 2 से 3 चम्मच हम घी डालेंगे। इसमें देसी घी का ही यूज किया जाता है, इसमें तेल नहीं डाली जाती है, कोई वेजिटेबल ऑयल, तो आप देसी घी में ही इसे बनाएं। देखिए, देसी घी अब मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें हम मखाना डालेंगे। पहले हम ड्राई फ्रूट कुछ भून लेते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालने का मन हो ना, आप डाल सकते हैं, लेकिन मखाने इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, मखाने को अब हम हल्का हल्का भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का ही हमें भूनना है। हल्का लाल हो जाए, क्रंचीपन आ जाए मखाने में, बस उतना हम भून लेते हैं। मखाने हमारे भून चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। मैं इस पंजीरी में मखाने और काजू डाल के बना रही हूँ। आप इसमें पिस्ता, किशमिश, आपको जो भी पसंद हो, अखरोट, नारियल सूखी हुई, आप सभी कुछ डाल के इसमें बना सकते हैं। बस अब इसमें हम काजू डाल लेते हैं 1 कप, ये देखिए। अब काजू को भी हम भून लेंगे हल्का लाल होने तक, क्योंकि जब हम ड्राई फ्रूट को जब हम भूनते हैं ना, तो उसका स्वाद जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे डालने से ना उतनी अच्छी नहीं लगती है, और भून लेने से ये होगा कि इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा। और इस पंजीरी को आप घर में डब्बे में बंद करके 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको ठाकुर जी को भोग लगाना हो आप आराम से लगा सकते हैं। हमारी जो काजू है वो भी भून चुकी है, अब काजू को भी हम निकाल लेंगे। अब 1 कप आटा हम लेंगे। आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा आटा ले लीजिए। हमें 1 कप आटा को उसी जो घी बच गई है उसी घी में हम इसे अच्छी तरह एकदम सौंधी खुशबू आने तक, और जब तक एकदम अच्छी तरह से लाल ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। क्या है कि जब तक इस अच्छी तरह से आटा भूनती नहीं है, पंजीरी उतनी अच्छी नहीं बनती है। ये पंजीरी को आप सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी बना सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी आटे की पंजीरी बनती है। अच्छी तरह से हमें आटे को भून लेना है। देखिए, लगातार चलाते हुए मैं आटे को भून रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बगल में जो बेल आइकन होता है ना, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आटा हमारी अब भून चुकी है, तो इसमें हम टेस्ट के अनुसार, देखिए, 1/2 कप मैंने चीनी डाला है। आप इसे कम या बेसी भी कर सकते हैं, या चीनी का पाउडर भी आप बना के डाल सकते हैं। और चीनी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे आटे के साथ, और जो मैंने मखाने और काजू भून के रखे थे उसे ज़रूर डालेंगे। और इसे हम सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं।
हमारी पंजीरी बनके तैयार है, लेकिन पंजीरी जब तक अधूरी है जब तक इसमें हम तुलसी के पत्ते नहीं डालते हैं। अब हमारी पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।